हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको लेके आया हूँ कि कैसे आप अपना मोबाइल, लॉस्ट मोबाइल आप ढूंढ सकते हैं, वो भी घर बैठे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक एप्लीकेशन फोन अप्लाई करना और आपका मोबाइल ऑटोमेटिक आपके घर पर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड, जिसको गवर्नमेंट को ढूंढ कर देगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च कर लेना है, CEIR सर्च कर देना है, ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद में फ्रेंड आपको करना है CEIR, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए फ्रेंड, ये ऑफिशियल वेबसाइट, इसके होम पेज पर हम आ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ठीक है फ्रेंड, इसका फुल फॉर्म है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है जो रेड कलर में दिख रहा है, ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल। और सेकेंड है ग्रीन कलर वाला, अनब्लॉक फंड मोबाइल। जब आपको मोबाइल मिल जाता है तो आप इसमें अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है चेक रुकेज स्टेटस। तो देखिए फ्रेंड, आपको करना क्या है, अगर आपका मोबाइल घूम गया है तो आप कैसे उसको ढूंढ पाएंगे आसानी से, ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए आपको करना ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल, जस्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जब आप जस्ट नीचे जाएंगे इसमें, यहाँ पे देखिए गुम चोरी हुई मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए अनुरोध है, ठीक है फ्रेंड। आप इसको ब्लॉक करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये आ चुका है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको ये फॉर्म है, इसको पूरा अप्लाई करना है, आपको मतलब भरना है और सबमिट कर देना है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे डिवाइस इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, आपने अगर आपके मोबाइल में दो सिम थी तो दो नंबर डालेंगे दोनों, मोबाइल नंबर फर्स्ट और मोबाइल नंबर सेकंड। और EMI नंबर यहाँ पे डालेंगे, दूसरा यहाँ पे डालेंगे, ठीक है फ्रेंड। डिवाइस ब्रांड यहाँ पे डालेंगे, सारे ब्रांड मिल जाएंगे, जो भी आपका ब्रांड है, ठीक है फ्रेंड, आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद में जैसे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे डिवाइस मॉडल नंबर डालना है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसके बाद आपके अपलोड मोबाइल परचेज इनवॉइस, जो आपकी मतलब रिसिप्ट थी उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में देखिए फ्रेंड, लॉस्ट प्लेस, जहाँ पे आपका मोबाइल घुमा था वहाँ पे आपको डालना है, ठीक है फ्रेंड। और लास्ट डेट आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद सेलेक्ट स्टेट डालना है और सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट डालना है। और यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट भी अगर आपने किया तो वो आपको यहाँ पे डालना है, उसका नंबर। और इसके बाद में आपको सेलेक्ट पुलिस स्टेशन, यहाँ से आपको सारे पुलिस स्टेशन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे देखने के लिए पुलिस स्टेशन, इसमें आप डालें जो भी आपको पुलिस स्टेशन आए, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में देखिए अपलोड पुलिस कंप्लेंट, और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है फ्रेंड। एड मोर कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मोबाइल ऑनर पर्सन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना है, जिसके नाम पे मोबाइल है उसका यहाँ पे नाम डालना है और एड्रेस डालना है। इसके बाद में फ्रेंड आपको अपलोड आइडेंटिटी आपको यहाँ डालना है और सेलेक्ट यहाँ पे फाइल करना है, जिसे फाइल आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर आपको यहाँ पे डालना है और ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर और गेट OTP भी आपको क्लिक कर देना है। OTP आया आपको फिलअप करना है। इसके बाद में देखिए फ्रेंड, डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेना है, आई हेल्प डिक्लेयर दैट ऑल द पूरे पढ़ लेना है आपके लिए। उसके बाद में आपको इस बॉक्स पर आपको टिक कर देना और सबमिट पर आप क्लिक कर देना है। इसके बाद आप कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट कोड आप मतलब आपका मोबाइल यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा और गवर्नमेंट ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी, ठीक है फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, अगर और आप यहाँ से अगर आपका मोबाइल मिल जाता है तो आप यहाँ से बैग जाके भी इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से बैग जाके इससे आप अनब्लॉक फंड मोबाइल, यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी, मोबाइल नंबर सेलेक्ट, अनब्लॉकिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड। फंड वाई सेल ब्लॉकड माई मिस्टेक अदर रीजन, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, गेट OTP क्लिक करना है और OTP डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद में अगर आप स्टेटस चेक करना है तो इसके लिए आपको करना क्या फ्रेंड, आपको चेक स्टेटस रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड, रिक्वेस्ट आईडी डालना है और सबमिट पे आप क्लिक करना और आपकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड। इस तरह आप अपने लॉस्ट मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं और सारा डाटा भी उसमें कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा, ना उसको कोई फॉरवर्ड यूज नहीं कर पाएगा, पूरा ब्लॉक हो जाएगा मोबाइल, ठीक है फ्रेंड। EMI के द्वारा पूरा मोबाइल ब्लॉक होता है, ठीक है फ्रेंड। आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका मोबाइल सामने वाला जिसके पास गया है वो यूज भी नहीं कर पाएगा उस मोबाइल को, और आपका मोबाइल वो चाहता है तो आपका मोबाइल वो वापस कर सकता है, ठीक है फ्रेंड। 100% बहुत ही कम चांस है कोई वापस करेगा मोबाइल, तोड़ फाड़ कर फेंक देगा, ठीक है फ्रेंड। इस तरह आप अपने मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं और आपका मोबाइल मिल भी सकता है, ठीक है फ्रेंड। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अगर आपका कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।